सायाहपुर में 181 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। पुल के न होने से लगभग 250 गांव का संपर्क टूटा हुआ था। भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने पूजा अर्चना के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया। 11 करोड़ 42 लाख की लागत से बनने वाला ये पुल एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल इलाके के लोग पुल का निर्माण शुरू होने से बेहद खुश हैं। दरअसल वर्ष 2008 में भारी बाढ़ के चलते लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क पानी के बहाव में बह गई थी। बाढ़ की वजह से पानी का एक गहरा नाला बन गया था, जिसकी वजह से पिछले 11 सालों से लगभग 500 गांव प्रभावित हो रहे थे। सड़क बनाने और पुल बनाने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी। इसके बाद योगी सरकार ने 181 मीटर लंबे 11 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत वाले पुल के लिए बजट जारी कर दिया है। यहां के भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने हवन पूजन और नारियल फोड़कर पुल के निर्माण कार्यों की शुरुआत करवाई। इस पुल के बन जाने से लगभग 250 गांव के लोग सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ जाएंगे। पुल निर्माण कराने वाली एजेंसी सेतु निगम का कहना है कि पुल का निर्माण मार्च 2021 तक पूरा होना है, लेकिन वह एक साल में ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। फिलहाल इलाके के लोगों का कहना है कि इस पुल के बन जाने से बड़ी राहत मिलेगी। ये पुल के बन जाने से आपको जानकारी होगी, आप भी अभी निकल के आए हैं, कम से कम ये एकमात्र रास्ता है तहसील जाने के लिए। कम से कम 250 से 300 गांव इस ये पुल ना बनने से प्रभावित थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया, विनती की, और मैं जब तक लगा रहा इसमें जब तक कि इस पुल की घोषणा नहीं हो गई। और ये सड़क, ये पुल जो है दो तरीके जोड़ता है, एक गोला गोकर्णनाथ, दूसरे दिल्ली लखनऊ हाईवे पर। इससे यहाँ की जनता को सबसे बड़ी समस्या अगर कोई थी हमारे क्षेत्र में, तो बस ये पुल के बजट पुल ना बनने के कारण लोगों के, हमारे कृषकों चाहे व्यापारी हों, बहुत बड़ी समस्या थी। अब हम समझते हैं आपके सामने आज इसका लोकार्पण हुआ है और ये अच्छी पुल बनके तैयार हो जाए, इससे बहुत राहत मिलेगी।